अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्टडी वगैरह करें घर पे? ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के लिए हम मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आज हम क्लास 3rd के बारे में स्टडी करेंगे। और क्या स्टडी करेंगे? SST के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और लेसन हमारा कौन सा है? पहले चैप्टर का पहला, और पेज नंबर कौन से स्टडी करने? 1 से लेके 4 तक हमें स्टडी करने हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों? SST। क्या कर रहे हैं? SST। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब ठीक हैं? सही है, अपने स्टडी वगैरह कीजिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है, अपने बड़ों की मदद कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए और स्टडी वगैरह जो है भरपूर कीजिए। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? SST। प्यारे बच्चों, आपको पता है SST का क्या मतलब होता है? नहीं पता? चले मैं बताता हूँ। SST को उर्दू में कहते हैं मुआशरती उलूम। क्या कहते हैं? मुआशरती उलूम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मुआशरती उलूम। मुआशरती का प्यारे बच्चों, मुआशरती लफ्ज़ निकला है मुआशरे से। किससे निकला है प्यारे बच्चों? मुआशरे से निकला है। किससे निकला है? मुआशरे से। मुआशरे से कौन सा वर्ड निकला है? मुआशरती। यानी मुआशरा किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। आपके वालदेन, आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं, वो एक साथ जो मिलकर रहते हैं, वो क्या बना लेते हैं? मुआशरा। मिसाल के तौर पे आपका घर है, आपके घर में बड़े लोग भी होंगे, आप लोग भी होंगे, आपकी पूरी फैमिली भी होगी, आपके इर्द गिर्द के आपके पड़ोसी भी होंगे, होंगे ना? बिल्कुल। इसी तरह से आपके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, वो तमाम के तमाम लोग मिलकर क्या बना लेते हैं? एक मुआशरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मुआशरा बना लेते हैं। और उलूम का मतलब होता है इलम हासिल करना। किसे कहते हैं? इलम हासिल करना। इलम की जमा क्या है प्यारे बच्चों? उलूम है। क्या है प्यारे बच्चों? उलूम है। यानी मुआशरे का इलम, यानी इंसान और इंसान से जुड़ी हर चीज़ के बारे में स्टडी करना, यानी इंसान और इंसान से जुड़े मुआशरे के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? मुआशरती उलूम। यानी इंसान, इंसान से जुड़े मुआशरे के बारे में आप स्टडी जो करोगे, वो क्या कहलाएगा? मुआशरती उलूम। यानी मुआशरे के बारे में स्टडी करना जिसमें इंसान रहता है और रहकर अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को समझ सकता है। हम इसको और आसान वर्ड में समझते हैं कि मुआशरती उलूम है क्या। इंसान और इंसान से हर जुड़ी चीज़, यानी इंसान किस तरह रहता है, किस तरह से बात करता है, किस तरह से जो है उसका रहन सहन का तरीका है, उसका किस तरह की बोलचाल का तरीका है, उसका किस तरह से कपड़े पहनने का तरीका है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका खेलने का, उसका जो है वो चीज़ें बनाने का तरीका क्या है, उसका जो कारोबार का तरीका क्या है, उसका मुल्क चलाने का तरीका क्या है, उसका एक मुआशरा चलाने का तरीका क्या है, उसमें उसका जो है वो घर बनाने का तरीका क्या है, इसके अलावा जितनी चीज़ें इंसान इंसान से जुड़ी, उसके रहन सहन के तरीके से, हर चीज़ से, उसके माजी से, उसके आने वाले कल से, ठीक है, ये तमाम आने वाले कल से नहीं, उसके माजी से, इसके अलावा उसके जो आर्द गिर्द का माहौल है उससे, ये तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मुआशरती। यानी इंसान और इंसान से जुड़ी हर चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसके मुआशरे के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? मुआशरती उलूम। क्लियर हो गया बात? ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें आपकी हिस्ट्री भी आ सकती है, उसका आबो हवा भी आ सकती है, उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें इसमें टॉपिक स्टडी करना है, उसका नाम है खूबसूरत जिंदगी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? खूबसूरत जिंदगी। आप लोगों की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको देखने के लिए, हम सबको देखने के लिए दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए, सुनने के लिए दो कान दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, चलने के लिए पैर दिए हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं ना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ये चीज़ें भी मौजूद नहीं होती। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खेलने के लिए जो वो चीज़ें मौजूद हैं, सही है, काम करने के लिए जो है वो काम करने के लिए चीज़ें मौजूद है, इसके अलावा खाने के लिए जो है ग़िज़ा मौजूद है, रहने के लिए घर मौजूद है, सही है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें भी मौजूद नहीं है। इसकी वजह से पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें मौजूद है, इल्म हासिल करने के लिए हमारे पास मोबाइल भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो हमारी ज़िंदगी क्या है? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 1 पे फिंगर रख लीजिए तमाम बच्चे, पहली लाइन में, सही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे जानदारों से मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत बनाया है।
प्यारे बच्चों, जितने भी दूसरे जानदार हैं आपके आपके एनिमल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, सही है, इन सब के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत किसको बनाया है? इंसान को बनाया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। इंसान अल्लाह ताला ने कितनी सारी जानदार चीज़ ज़मीन के ऊपर उतारी है। आपके एनिमल्स भी हैं, आपके प्लांट्स भी हैं, आपके बर्ड्स भी हैं, सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है, उसमें तो उन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? इंसान है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ मौजूद है, उसके पास सोचने की भी सलाहियत मौजूद है, दो कान भी हैं सुनने के लिए, आंखें भी हैं, जबान भी है, ये सब चीज़ें तो उसके पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के पास क्या भी मौजूद है? अकल भी मौजूद है, और इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों पर अफजलियत दी है। कहा है अल्लाह ताला ने कि आप तमाम जानदारों पे अफजल हो, यानी जानवर और बर्ड्स, आपके एनिमल्स और बर्ड्स, परिंदे और जानवर, इन सब पे भी आपको अफजलियत हासिल है, यानी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो या आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है, क्लियर हो गए प्यारे बच्चों बात? ठीक है, फिर से बुक में देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत दिलकश बनाया है। दिलकश यानी खूबसूरत, क्या बनाया है प्यारे बच्चों इस दुनिया को? दिलकश, दिलकश यानी खूबसूरत बनाया है, क्लियर हो गई बात? चले, ये झील कितनी खूबसूरत है प्यारे बच्चों, आपको झील नजर आ रही है? देखो कितनी खूबसूरत है, बीच में जो है वो दरिया है, उसकी गिर्द पहाड़ है, आसमान जो है वो आपको बिल्कुल साफ शफाफ नजर आ रहा है, कितना हसीन माहौल लग रहा है आपको, दिख रहा है जी? आप लोग कभी गए हैं ऐसे माहौल में? आपने कभी जो है वो ऐसी जगह पे सरवाइव किया है? कभी ऐसी जगह घूमने गए हैं? वेरी गुड, कुछ बच्चे गए हैं और कुछ बच्चे नहीं गए, तो देखिए कितना प्यारा माहौल है। जब आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मज़ा आता है वहाँ पर? बहुत मज़ा आता होगा, सही है, यानी इंजॉय वगैरह करते होंगे, करते हैं ना सब इंजॉय? ठीक है, तो ये झील कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। चले पेज नंबर 2 ओपन कीजिए जल्दी से, वेरी गुड। चले, बारिश के बाद का मंजर कितना खूबसूरत होता है प्यारे बच्चों। जब बारिश होती है तो उसके बाद आसमान क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, हवाएं बिल्कुल साफ सुथरी चलना शुरू हो जाती है। जब हवा की आप खुशबू सूंघते हो तो आपको उसमें मिट्टी की जो है वो खुशबू महसूस होना शुरू हो जाती है। जब सूरज निकलता है प्यारे बच्चों, तो आपको सूरज की शुआ में कोई बार नजर नहीं आता, बल्कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होती है। जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसी होता है ना। और जब आसमान पे देखते हैं तो आपको आसमान बिल्कुल साफ नज़र आता है और आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और कभी कभी आपको रेनबो देखने को मिल जाता है, रेनबो देखा है ना, जिसमें आसमान के ऊपर नज़र आता है और 7 कलर होते हैं, देखिए इस डायग्राम में जी। इस तरह से जब बारिश होती है तो उसका मंजर कितना खूबसूरत होता है, आसमान साफ, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो बिल्कुल साफ सुथरी, जब हवा आपको आती है, हवा जब आपकी बॉडी पर सूरज की रोशनी लग रही होती है, आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, और जब मिट्टी अब हवा सूंघते हो तो आपको उसमें मिट्टी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो महसूस हो रही होती है, ऐसी होता है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे देखें, ये तितली और फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं? तितली है, देखें रंग बिरंगी कितनी प्यारी सी है, और फूल, फूल के ऊपर बैठी हुई है, क्या कर रही है तितली? रस उसका चूस रही है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, सुबह का वक्त कितना खूबसूरत होता है, सुबह के वक्त कौन कौन उठता है? तमाम बच्चे उठते हैं, वेरी गुड, जो नहीं उठता वेरी बैड, वेरी सैड, आप तमाम के तमाम बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, फजर की नमाज़ पढ़ा करें, उसके बाद जो है वो तमाम बच्चे कुरान शरीफ करीब की तिलावत किया करें, उसके बाद आप तमाम के तमाम बच्चे सुबह का मंजर दिखा करें कि सुबह का मंजर कितना खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला ने सुबह का मंजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। पेड़ों के ऊपर जो है चिड़िया है अल्लाह ताला की तिलावत कर रही होती है, अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ रही होती हैं, हवा जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो चल रही होती है। जब हवा आप सुनते हो, चहचहाट की परिंदों की आवाज़ सुनते हो, तो आपको जब मौसम देखते हो तो आपको ये तमाम चीज़ें क्या लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आप तमाम के तमाम बच्चे कल सुबह जल्दी उठेंगे, और उठने के बाद सबसे पहला क्या काम करेंगे? नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे तमाम बच्चे? उसके बाद तमाम बच्चे जो है वो बाहर बैठेंगे और पूरा जो सुबह का मंजर है उसको देखेंगे कि कितना खूबसूरत जो है वो मंजर
होता है, सूरज की शुआएं निकलती हैं कितनी प्यारी लगती हैं, और हवा जो चल रही होती है वो परिंदों की चहचहाट की आवाज़। ओए ओए सही है, तमाम अच्छे देखेंगे। चले आगे देखें, पौधों की वजह से माहौल बहुत खूबसूरत लगता है। आपने पौधे देखे, उसकी वजह से आपको माहौल कैसा लगता है? बहुत ही दिलकश, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नज़र आ रहे हैं आपको पौधे? आप कहीं बाग वगैरह में जाते हैं, आप अगर जो है बाग में जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या नज़र आते हैं प्यारे बच्चों? पौधे लगे हुए नज़र आते हैं। क्या आपको पौधे अच्छे लगते हैं? जी वेरी गुड, लगना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। जब आप उनको देखते हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? वेरी गुड, जब आप पौधे देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो प्यारे बच्चों बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों पेज नंबर 3 ओपन कीजिए, जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी। कुछ लोग बहुत अच्छी सोच के मालिक होते हैं, इसे हम खूबसूरत सोच भी कह सकते हैं। सही है, जो लोग अच्छा सोचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो कैसी सोच के मालिक हैं? खूबसूरत सोच के मालिक हैं। खूबसूरत सोच से मुराद वो अच्छा सोचते हैं, तमाम लोगों के बारे में किसी की बुराई नहीं करती है, जो भी आता है उसके सामने बैठकर अच्छा ही करते हैं, कोई चला जाता है तो उसकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। आप भी अच्छे बच्चे हैं ना, खूबसूरत सोच के मालिक हैं ना, जब कोई आए तो उससे अदब से बात करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कोई आपको बूढ़ा शख्स रोड क्रॉस करते हुए नज़र आए तो आपको उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए। घर में अपने बहन भाइयों की, वालिदैन की मदद करनी चाहिए। ऐसे लोग कैसी सोच के मालिक होते हैं? अच्छी सोच के मालिक होते हैं, और अल्लाह ताला इन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जो कि अच्छी खूबसूरत सोच के मालिक होते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, अपने बहन भाइयों का साथ देते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं, अपने वालिदैन की, अपने बड़ों का अदब करते हैं, अपने वालिदैन की बात मानते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपको पसंद करें, तो आपको क्या चाहिए? कि आप खूबसूरत सोच के मालिक बन जाएं, आप तमाम के तमाम काम करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बुक्स में देखें। हिबा बड़ी होकर मुअल्लिमा बनना चाहती है ताकि इलाके के बच्चों को पढ़ा सके। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको एक बच्ची नज़र आ रही है, ये चाहती है कि वो क्या बने? मुअल्लिमा बने, और मुअल्लिमा बनने के बाद वो तमाम के तमाम बच्चों को क्या पढ़ाए? इलाके के बच्चों को क्या करे? तालीम दे। क्लियर हो गई बात? नज़र आ रही है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए। ठीक है आगे, अब्दुल्ला के अब्बू को बूढ़े लोगों का काम करके खुशी मिलती है। जो अब्दुल्ला है वो कोई किसी को देखें, आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, जब अब्दुल्ला इन शख्स को जो है वो कोई भी शख्स नज़र आता है तो वो उनकी मदद करके उनको रोड क्रॉस कराते हैं, और उनको जो है वो उनकी मदद करने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो प्यारे बच्चों आप भी कभी जो है वो किसी की मदद करिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप तमाम बच्चों को क्या करना है आज से? कल सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करनी है, सुबह का मंजर देखना है, और दूसरा काम क्या करना है? अपने घर में तमाम वालदेन वालदेन की मदद करनी है, सही है, उनकी बात माननी है, अपने बहन भाइयों की मदद करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, तमाम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, वालदेन के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, अपने बड़ों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, अपने वालदेन की, बड़ों की, उस्ताद की, हर किसी की बात को मानना है। क्लियर हो गई बात आप तमाम बच्चों को? और आपको किस चीज़ का मालिक बनना है? खूबसूरत सोच का मालिक बनना है। खूबसूरत सोच का मालिक बनेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारे इनामात से नवाजेगा। क्लियर? अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खूबसूरत सोच का मालिक बनना पड़ेगा, और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जैसे ये काम कर रहे हैं अब्दुल्ला हिबा, आप लोग को भी ऐसे काम करेंगे तो आपको भी अल्लाह ताला खुश होगा। सही, चलें आगे देखें। हिबा चाहती है कि किस तरह अपने अम्मी अब्बू को हज करने की ख्वाहिश पूरी कर दे। सही, हिबा क्या चाहती है? कि अपने अम्मी अब्बू को क्या कराएगी? उमरा कराएगी, हज कराएगी, और इनकी ख्वाहिश के लिए वो दिन रात क्या कर रही है? मेहनत। आप लोगों की भी ऐसी कोई ख्वाहिश है जी, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगी? मेहनत करना पड़ेगी, और खूबसूरत सोच का मालिक बनना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे देखें। जारा और फातिमा चाहती हैं कि घर के कामों में अपने हाथ, अम्मी का हाथ बटाएं। क्या चाहती हैं जारा और फातिमा? देखें पानी भरने के लिए जा रही हैं दोनों बहनें जी, तो आपको भी चाहिए कि आप भी जारा और फातिमा की तरह
अपनी मामा का हाथ बटाए, मामा अगर कोई काम कर रही हो तो उनको बोले कि लाए मैं कर दूँ, आपकी मम्मा देखिएगा बहुत ज़्यादा खुश होंगी। आप जब इनको ये बोलेंगी ना कि लाए मामा मैं कर देती हूँ, तो मामा आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगी, आपको शाबाशी भी देंगी और आपसे अच्छे तरीके से बात भी करेंगी। अगर बात नहीं करती तो आपसे अच्छे तरीके से बात भी करेंगी, आपको शाबाशी भी देंगी और आपको हर चीज़ मुहैया करेंगी। ठीक है, सही है। आपको क्या करना है आज, सबसे जो है वो अच्छे क्लास से पेश आना है, अपने वालदेन की मदद करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, चलिए देखें। राबिया चाहती है कि दुनिया में कोई गरीब भी ना रहे, किसी की मदद करने की ख्वाहिश खूबसूरत सोच है। राबिया क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि तमाम के तमाम लोग हैं उनकी क्या करे, वो मदद करे, गरीब लोगों की वो क्या करे, मदद करे, उनका जो है वो सहारा बने। और उसको ऐसा करने से क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप भी कभी किसी की मदद करके देखिएगा, आपको भी क्या मिलेगी, दिल में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, कभी करके देखिएगा किसी की मदद, आपको दिल से क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो राबिया जैसे मदद कर रही है तो उसको खुशी मिल रही है, जैसे और बच्चे काम कर रहे हैं उनको खुशी मिल रही है, ऐसी आपको भी ये खुशी मिलेगी और अल्लाह ताला अलग से राज़ी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखो। मुदस्सिर स्कूल का काम बहुत अच्छे अंदाज से करना चाहता है, खूबसूरत काम करने के लिए बड़ी तवज्जो से काम करना पड़ता है। मुदस्सिर कैसा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। वो क्या चाहता है कि मैं अपना स्कूल का काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से करूँ, मेरी राइटिंग क्या हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, टीचर मुझे शाबाशी दे, वो ये चाहता है। और वो इस काम पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा तवज्जो करता है, और तवज्जो करने की वजह से उसका काम क्या होता है, अच्छा होता है। क्योंकि आप जब अपने काम के ऊपर तवज्जो करते हो, उसकी कोशिश करते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो प्यारे बच्चों वो आपका काम क्या हो जाता है, आपका वो काम हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको नज़र आ रही है, जी बिल्कुल, ये हर काम को बहुत अच्छा करने की ख्वाहिश खूबसूरत ख्वाहिश है। यानी आप कोई भी काम करते हो तो उसको करने की जो ख्वाहिश है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ख्वाहिश क्या होती है, जो काम आप करना चाहते हो वो आपकी ख्वाहिश कहलाती है। ठीक है, जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, मरियम की अम्मी चाहती हैं कि वो जो काम भी करें इससे बहुत अच्छे अंदाज से करें, इनके खानों की सब तारीफ करते हैं। प्यारे बच्चों, मरियम की अम्मी क्या चाहती हैं कि वो कोई भी काम करें, चाहे वो झाड़ू लगाएं, बर्तन धो, या फिर कुछ भी करें, खाना बनाएं, या XYZ कुछ भी करें प्यारे बच्चों, तो वो क्या करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से करें कि उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहे। ऐसा नहीं करना झड़क देना, भाई मैं नहीं लगा रहे झाड़ू वाड़ू, छोड़ो मैं नहीं धो रही बर्तन, तो आधे बर्तन धो दिए आधे बर्तन छोड़ दिए, नहीं, पूरा काम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप झिड़केंगे, मना करेंगे, भाई मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा, तो आपकी कोई तारीफ भी नहीं करेगा बल्कि बुरा भला करेगा, अरे ये देखें कैसा है प्यारा, कैसा बच्चा है, काम ही नहीं करता, ऐसे बोलेंगे ना लोग। तो आप लोग क्या जाते हैं, आप लोग को अच्छा बोले या बुरा बोले, तो आपको अच्छा बोलेंगे जब जब आप अपने काम को क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जैसे मरियम की अम्मी करती हैं। एक दिन सारा ने अपनी दोस्त के लिए खूबसूरत ईद कार्ड बनाया। सही, चलें। अब प्यारे बच्चों मैं इसको दोबारा से रवानी के साथ पढ़ रहा हूँ, आप तमाम बच्चे मेरे साथ साथ रीड करिएगा। सही है, फिंगर रखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग रीड कर लीजिएगा। अल्लाह ताला ने, पेज नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरे जानदारों के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत दिलकश बनाया है। ये झील कितनी खूबसूरत है, बारिश के बाद का मंजर कितना खूबसूरत लगता है, ये तितली और फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुबह का वक्त कितना खूबसूरत है, पौधों की वजह से माहौल बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ लोग बहुत अच्छी सोच के मालिक होते हैं, इसे हम खूबसूरत सोच भी कह सकते हैं। हिबा बड़ी होकर मुअल्लिमा बनना चाहती है ताकि अपने इलाके के बच्चों को पढ़ा सके। अब्दुल्ला के अब्बू को बूढ़े लोगों का काम करके खुशी मिलती है। हिबा चाहती है कि किसी तरह अपनी अम्मी अब्बू को हज करने की ख्वाहिश पूरी कर दें। जारा और फातिमा चाहती हैं कि घर के कामों में अपने अम्मी का हाथ बटाएं। राबिया चाहती है कि दुनिया में कोई गरीब भी ना रहे, किसी की मदद करने की ख्वाहिश बहुत खूबसूरत सोच है।
मुदस्सिर अपने स्कूल का काम बहुत अच्छे अंदाज से करना चाहता है। खूबसूरत काम करने के लिए बड़ी तवज्जो से काम करना पड़ता है। हर काम को बहुत अच्छे अच्छा करने की ख्वाहिश खूबसूरत ख्वाहिश कहलाती है। मरियम की अम्मी चाहती हैं कि वो भी काम करें, ऐसे बहुत अच्छे अंदाज से करें। उनके खानों की सब तारीफ करते हैं। एक दिन सारा ने अपने दोस्त के लिए बहुत खूबसूरत ईद कार्ड बनाया। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे अब इसका? अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज यानी क्लास वर्क। क्या करेंगे? क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम क्या करेंगे? सबसे पहले खाली जगह बनाएंगे। क्या करेंगे? खाली जगह पूर करें। सही है, पता है ना खाली जगह क्या होती है? वेरी गुड। ठीक है, तो हम पहली खाली जगह बना रहे हैं, आपको उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नंबर वन है, नंबर वन क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? देखते हैं हम खाली जगह। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत डेश बनाया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत डेश बनाया है। प्यारे बच्चों क्या बनाया है? दिलकश बनाया है। आप तमाम बच्चे इसको फिल कर लेंगे। नंबर टू, प्यारे बच्चों हर काम को बहुत अच्छे करने की ख्वाहिश देश ख्वाहिश है। हर काम को बहुत अच्छा करने की ख्वाहिश बहुत अच्छा करने की ख्वाहिश बहुत देश ख्वाहिश है। प्यारे बच्चों कैसी ख्वाहिश है? खूबसूरत ख्वाहिश है। आप इसको जो है फिल कर लीजिएगा। नंबर थ्री ब्लैंक्स जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों कॉपी करें। ठीक है, प्यारे बच्चों खूबसूरत काम करने के लिए काम करने के लिए बड़ी देश से काम करना पड़ता है। बड़ी देश से काम करना पड़ता है। बड़ी किससे काम करना पड़ता है प्यारे बच्चों? तवज्जा से। तो प्यारे बच्चों मैं ऑप्शन दे देता हूँ, दिलकश, तवज्जा और खूबसूरत। इसमें से हर ब्लैंक्स में जो है वो एक एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तीन ऑप्शन है, तीन ब्लैंक्स है। इसे कॉपी करें। वेरी गुड, कॉपी हो गया, रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अच्छे प्यारे बच्चों, अब आपको करना है कुछ काम। क्या काम करना है? बहुत ही अच्छा और प्यारा सा काम है। ठीक है, दो सवाल हैं, दो सवालात हैं जो आपको करने हैं। सवालात क्या हैं? सवालात। ठीक है, पहला सवाल है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आपको अब क्या करने हैं? सवालात करने हैं। क्या करने हैं? किसी खूबसूरत मंजर की तस्वीर बनाइए। किसी खूबसूरत मंजर की तस्वीर बनाइए। प्यारे बच्चों आपको जो खूबसूरत मंजर लगता है सुबह का या जो भी है बाग का, आपको उस मंजर की क्या बनानी है? तस्वीर बनानी है, उसमें रंग भरना है। सही है, तो ये काम करेंगे आप। ठीक है, आप कोई जाल, आप कोई बाग बना सकते हैं, आप कोई प्लेग्राउंड बना सकते हैं, आप कोई शहर बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई सीनरी बना सकते हैं, आप कोई सुबह का मौसम बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू, आप कौन से खूबसूरत काम कर सकते हैं? आप कौन से खूबसूरत काम कर सकते हैं? इनकी फहरिस्त बनाइए। प्यारे बच्चों आप जो काम कर सकते हैं उनकी क्या बनानी है? फहरिस्त बनानी है। जिस तरह से ईबा अपने
वालदेन को हज करवाना चाहती है, हिबा जो है बड़े होकर मौलिमा बनना चाहती है कि तमाम बच्चों को तालीम दे, अब्दुल्ला जो है वो बड़ा अपने लोगों की मदद करना चाहता है, और इसके अलावा राबिया जो है वो गरीब लोगों की मदद करना चाहती है। इस तरह से आप कौन से काम खूबसूरत काम कर सकते हैं, उन तमाम के तमाम जो है वो खूबसूरत काम की लिस्ट बनानी है। अपने मामा की मदद कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं, अपने वालदेन का अदब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो काम हैं वो आप कर सकते हैं, उन सबकी क्या बनानी है प्यारे बच्चों, आपको लिस्ट बनानी है, क्लियर हो गई बात। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक यहाँ पर जो हमारा टॉपिक एंड होता है, फिर से हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए ख्याल रखिए सब प्यारे बच्चे, अपना स्टडी करते रहिए, और स्टडी करते रहिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।